Well, चीटी को देख के कौन ये कह सकता है कि ये हाथी की सूंड में घुस के उत्पात मचा देगी। चूहे को देख के कौन ये सोच सकता है कि ये बड़े से बड़ा पहाड़ भी खोद सकता है। और कुछ ऐसा ही होता है क्रिकेट वर्ल्ड में भी, जहां पर छोटी टीम्स को देख करके बड़ी टीम्स ओवर कॉन्फिडेंस के ओवरडोज में आ जाती है और ये भूल जाती है कि ये छोटी टीम भी तो यहाँ पर ये टूर्नामेंट ये कप जीतने ही तो आई है। हेलो, हाय, वेलकम टू अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ VRS, यानी कि वेनु रिव्यू सिस्टम विद योर क्रिकेट क्रेजी फ्रेंड होस्ट कम दोस्त मी, यानी कि आरजी वेनु। और आज मैं आपके लिए लेकर के आऊं वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स ऑफ ICC T20 वर्ल्ड कप। अपसेट यानी ये आसान शब्द में परेशान, लेकिन क्रिकेट और स्पोर्ट्स की दुनिया में इसे कहते हैं उलटफेर, जो छोटी टीम बड़ी टीम के साथ कर जाती है। वही जो इस साल नीट एग्जाम में हुआ, वही जो एक जूनियर सीनियर के साथ अप्रेजल में कर जाता है। लेकिन फिर ICC T20 वर्ल्ड कप के टॉप 5, यस टॉप 5 अपसेट्स कौन कौन से हैं? लेट्स चेक आउट। इस लिस्ट में नंबर 5 की शुरुआत हमारे अपने पड़ोसियों के साथ, यानी कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 में USA वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला। पाकिस्तान ने बनाए 159 रन और USA ने भी बना दिए 159 रन। एज अ रिजल्ट हुआ सुपर ओवर और USA जीत गया 5 रनों से। भाई साहब, हम इंडियंस तो मौका नहीं छोड़ते कहने का कि मौका मौका, क्योंकि USA की टीम में मैक्सिमम थे NRI, तो चलो साथ मिलके गाओ। बुलेट फेर नंबर 4 मेरे यार, दैट इज श्रीलंका वर्सेस नामीबिया। ऑस्ट्रेलिया में 2022 में हुआ ICC T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को दिया 164 का टारगेट और श्रीलंका 108 रन पे ऑल आउट। भाई साहब, मतलब इसे ही तो कहते हैं लंका लगाना। नंबर 3 पर है नेदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेले गए इस मैच में नेदरलैंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को दिया 159 का टारगेट और साउथ अफ्रीका 145 से आगे ही नहीं बढ़ पाई। एज अ रिजल्ट फिर से एक बार ठप्पा लग गया साउथ अफ्रीका पर, इसका चोकर्स का। सेकंड टॉप इन दिस लिस्ट इज नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला ऑफ 2009, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए नेदरलैंड्स को दिया 163 का टारगेट और 4 विकेट रहते हुए, कितने 4 विकेट रहते हुए नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हराया और दुनिया में ऑरेंज आर्मी का हल्ला मचा दिया ब्रो। पर इससे भी ज्यादा बुरा हाल किया नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड का इन द ईयर 2014 बांग्लादेश में हुए ICC T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड्स ने इंग्लैंड को दिया 133 का टारगेट और इंग्लैंड की पूरी टीम 88 पे ऑल आउट। मतलब इंग्लैंड भी यही कहती आजकल, ऑस्ट्रेलिया से डर भी लगता साहब, नेदरलैंड से लगता है, प्लीज इनके सामने मत बुलाना हमें खेलने के लिए। और उलट फेर में सवा शेर की लिस्ट में टॉप मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे का ऑफ 2007, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए जिम्बाब्वे को दिया 139 का टारगेट इस मुकाबले में कि हम तो जीत रहे हैं मैच, लेकिन जिम्बाब्वे ने एक बॉल रहते हुए ये मैच जीत लिया और ये साबित किया कि भाई साहब क्रिकेट का खेल भी ना सांप सीढ़ी के खेल जैसा है, कब कौन किसको डस ले पता नहीं चल पाता। सो इट्स टाइम फॉर वेनु का वर्डिक्ट। छोटी छोटी टीम्स बड़ी टीम को हरा करके भले ही बहुत बड़ा अपसेट करती हो, उन्हें परेशान कर देती हो, लेकिन सबसे बड़ा अपसेट करती है बारिश। यकीन ना हो तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल देख लो। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भैया 100 बातों की एक बात, दो लाइन खींच के मार रहा हूँ दोहे के तौर पर, प्रस्तुत है आपके लिए कि देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। मैंने कहा देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, कभी कभी बड़ी टीम भी छोटी टीम से ले लेती है उड़ता उड़ता तीर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दिस इज आरजी वेनु साइनिंग ऑफ फ्रॉम अनदर मजेदार एपिसोड ऑफ वेनु रिव्यू सिस्टम। मिलूंगा एक और एपिसोड लेकर के यही 93.5 रेड एफएम पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं एंड रेड एफएम बजाते रहो। सी यू। बजाते रहो।